वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे आज हम यहाँ पे टेंपल रन शूट के लिए आया है। मेरा सर है, मेरा छोटा मामा, हाय बोल दो। हाय। तो चलो इसकी तरफ है, कुछ इस तरफ है। हम लोग अभी नदी में जाने वाले हैं। नदी में यार जंगल है। साइकिल को हम लोग यहाँ पे रखे जा रहे हैं, अगर कोई चोरी कर लिया तो पता नहीं, कोई लॉक शॉक नहीं लगाया। चलो यार गाइस, हम लोग शूट करते करते ये हमारा नदी में पहुंच गया। हमारा नदी लगभग सूख ही गया है, पहले तो यहाँ तक पहुंचा है, अभी पूरा सूख गया है और पानी थोड़ा बहुत गंदा है अभी तक यहाँ पे। तो यार गाइस, अभी शूट खत्म हो गया है यहाँ पे और हमारा ये हमारा नदी है। हमारी नदी यहाँ पे पहले में यहाँ देख ही सकते हैं, इतना तक पानी पहुंच गया है। इससे भी ऊपर पहले तो चला गया था, लेकिन अभी पूरा सूख गया है। बस अभी पानी का कलर येलोइश है, अभी तक सफ़ा तो नहीं हुआ और लगभग हो ही जाने वाला है, लेकिन पता नहीं बारिश होते जा रहा है ऊपर की तरफ से। अगर ये पानी सफ़ा हो गया ना तो दिल को बहुत खुश होगा और हमारे यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत सुंदर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। आप लोग टेंपल रन को वेट कीजिएगा। इस वीडियो बहुत ही क्या बोलते कुछ दासू होने वाला है। पहली बार आप लोग सुना ही होगा कि टेंपल रन गेम होता है। और ये हम लोग रियल लाइफ में लेके आया है, इसको रियल लाइफ में हम लोग, आप लोग सुना ही होगा आप लोग कि ये टेंपल रन ऐसे गेम होता है और उसको हम लोग लेके आया हमारे रियलिटी में, रियल लाइफ में कैसे होता है। थोड़ा एडिट में थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि ये पूरा रियलिटी लगे। पता नहीं कैसे होगा, आप लोग कैसे लगेगा, इतना पूरा रियलिटी तो नहीं होगा, लेकिन जस्ट फॉर फन आप लोग इन्जॉय कीजिएगा इस वीडियो को। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे, यहीं पे हम लोग शूट किया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म है और आप लोग वेट कीजिएगा वो टेंपल रन वीडियो। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ करते हैं बाय बाय। नहीं, इस खुशी पर हम आपको देना चाहेंगे ये लीजिए तुम्हारा ट्रॉफी। अरे भाई हम लोग भूल ही गया था, ए तुमको याद है क्या? हम लोग को मम्मी ढूंढ रहा है यार दुकान में रहने के लिए, जल्दी जाना पड़ेगा यार। हम लोग को ना वीडियो करने के लिए भी अच्छे से टाइम नहीं मिलता है कभी कभी, बहुत बहुत स्टोरी है मेरा, लेकिन उसको शूट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, घर का काम करना पड़ता है, दुकान में रहना पड़ता है एक्चुअली। तो गाली तो जरूर खाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक हम लोग प्रो नहीं है, तो मम्मी पेरेंट्स लोग ज़्यादा ये सब समझ, ये सब करने से कुछ फ़ायदा होता है, वो लोग पूछते हैं क्या टाइम पास है यार बेकार में, तो अपना पेरेंट्स को हेल्प करो, ये सब सोचते हैं वो लोग। लेकिन हम भी कुछ सोचते हैं कि मतलब क्या सोचते हैं, यूट्यूब में ज़्यादा ज़्यादा वीडियो डालने का मन हो रहा है, मतलब कोशिश कर, लिख तो बहुत लिख चुका है मैं। अरे यार चप्पल खोल के चल, लिखा तो ना मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने बहुत कुछ स्टोरी लिख के रखा है, लेकिन उसको शूट करने के लिए कोई सपोर्टिव नहीं है, कैमरामैन नहीं है, और शूट करने के लिए दोस्त है लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है, उसके वजह से हमारा नहीं होता है। और पेरेंट्स लोग भी अलाउड नहीं करते, बोलता है ये सब टाइम पास क्यों कर रहे हैं, घर में मदद करो, दुकान में रहो, हम लोग का एक दुकान है तो उसमें रहो बोल रहे हैं। ओके, तो घर में भी हेल्प करेगा, जब टाइम फ्री मिलेगा तो ये सब वीडियो भी बनाते रहेंगे और आप लोग के साथ अब
शेयर करूंगा आप लोग देखिए। अगर अच्छा थोड़ा सा इन हमारे इस वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके साथ हम आज करते हैं इस वीडियो को अन